छेद में पुरानी रंजिश के चलते जमकर संघर्ष हुआ, जिसमें फायरिंग हुई। घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने तत्काल दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। यहां से फिर उन्हें सैफी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। घटना शुक्रवार देर शाम की है। यहां थाना एलाऊ क्षेत्र के ग्राम नगला कामदार में पुरानी रंजिश को लेकर एक बच्च ने गाँव के ही दूसरे बच्च पर घर पर चढ़कर फायरिंग करने का आरोप लगाया है। घायल बच्च के युवक उपेंद्र सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया है कि दूसरे बच्च के सुबोध विजयन सिंह, जसवीर, रिंकू ने पुरानी रंजिश के चलते घर आकर उसके भाई शैलेंद्र सिंह पुत्र हृदयराम को गोली मार दी और अन्य लोगों के साथ भी जमकर मारपीट की है और घायल कर दिया है। इस हमले में 60 वर्षीय चरण सिंह पुत्र सूबेदार भी घायल हो गए। घटना की जानकारी पाकर मौके पर थाना पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहां घटना की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह पहुंच गए, जिन्होंने पूरे मामले की जांच पड़ताल की है। वहीं अस्पताल में गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों को सैफई पैरामेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने मामले को गंभीरता से न लेने वाले चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है और थाना अध्यक्ष के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। एक साल हो गई है, कोई लगातार झगड़ा चल रहा। अच्छा, झगड़ा किससे चल रहा, किस बात को लेके? होली पे हुआ था ऐसे ही कुछ। रिंकू और प्रदीप है, ये सर हिस्ट्री सीटर्स पे लगभग 40 केस है इस समय थाने में। थाने क्या, आउट डिस्ट्रिक्ट में है सर, कुछ भी नहीं हो रहा इसके खिलाफ, ये जाता है। आज क्या हुआ, आज क्या हुआ? आज ये मेरा भाई था, ये घर पे सो रहा था। वो लोग 30-40 लोग घर पे, 10-15 लोग आए वहाँ से और गाली गलौज देने लगे। ये बाहर जैसे ही निकला, इसके सर तुरंत गोली मार दी और जैसे गोली मारी तुरंत हड़कंप मच गया। हड़कंप होते हुए सब लोग आए तो ईंट पत्थर से ये देखो सब इनकी बाजू बाजू सब तोड़ दी है। बाकी जिनको मारपीट कर पाया उनको किया और भाग। अचानक आज ही ऐसा क्यों घातक हमला किया गया? इनका कल परसों हमारे छोटे वाले भाई को मारा था इन्होंने, और रंजीत सिंह को। क्या नाम, क्या आपका है? हमारा नाम उपेंद्र सिंह है। उपेंद्र, ये बताओ, विवाद जो लगातार चला आ रहा है, कोई बेस तो रहा होगा, कोई कारण तो होगा ना? ये होली पे, होली को तो छोड़ दो, वो झगड़ा बिल्कुल शांत हो गया था। ये एक महीना पहले क्या हुआ था, ये बाबा थे इनको गाली दी थी रामचरण सिंह को, फौजी के लड़के ने, मोहित ने, तो वो गाली दी थी। जब तो गाली दे के उन्होंने इनको गाली दी, इन्होंने उनके घर पे जाके मतलब शिकायत की। शिकायत करके ये सुबह जो उनका लड़का फिर निकला तो उन्होंने कहा गाली, इन्होंने कहा गाली क्यों दे रहे हो, तो इन्होंने कहा गाली खूब देंगे। आज घायल कितने लोग हुए? घायल 4-5 लोग। किससे हुए ये? ये सर विपक्षी पार्टी से हुए हैं। नहीं, क्या लगा क्या इनके? इनके तो गोली लगी हुई है, इनके भी पता नहीं गोली लगी है क्या लगा है इनका। ये लाठी डंडों से इनका बाजू तोड़ दी। हमला करने वालों के नाम क्या है? हमला एक सुबोध है सन ऑफ विजेंद्र सिंह सन ऑफ अमर सिंह, और जसवीर सिंह सन ऑफ राम निवास सिंह फौजी, और रिंकू सन ऑफ राम नरेश। लड़ाई किससे थी आपकी? लड़ाई वो सर लड़ाई अपनी एक साथ में लड़ रहे, लड़ाई एक किसी भी किसी